दोस्तों क्या गाना है, क्या गाना है यार। एकदम मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया, एकदम कसम से बोल रहे हैं। मतलब जो लेवल होता है, जो चीज़ होती है, जो जो हमें चाहिए, वो आज पवन सिंह जी ने हमें दिया है। दोस्तों सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल लीड न्यूज़ में। मैं हूँ आप सबका शुभम सिंह। इंतज़ार था बहुत दिनों से और आज इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, यानी कि पवन सिंह जी और सोनू निगम जी का गाना रिलीज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जय छठी मैया, गाने का नाम है जय छठी मैया। गाना रिलीज हो चुका है आई बिलीव म्यूजिक से। आई बिलीव म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से गाना रिलीज हो चुका है जय छठी मैया। और क्या गाना है भैया, क्या गाना है, और किसी का तो पता नहीं लेकिन मेरा इस साल का फेवरेट गाना, मेरा इस साल का फेवरेट गाना और एवरग्रीन फेवरेट हो जाएगा ये गाना, क्योंकि ये गाना इतना अच्छा है यार, इतना ज़बरदस्त है। ये गाना मेरे लिए एवरग्रीन फेवरेट हो गया, हमेशा हमेशा के लिए फेवरेट हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त गाना है जय छठी मैया। सोनू निगम जी बड़े हैं पवन जी से, उनके सीनियर हैं और पवन जी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं सोनू जी की। ये वीडियोज़ में भी आप सबको सुनने को मिला। और इस गाने का भाव भी कुछ इसी प्रकार है कि इसमें भैया का रोल प्ले कर रहे हैं। इस गाने में पवन सिंह जी के भैया हैं सोनू निगम जी, और पवन जी की भौजाई हैं यानी कि भौजी भाभी हैं हर्षिका पुनाचा जी, यानी कि सोनू निगम जी और हर्षिका पुनाचा जी हस्बैंड वाइफ रहते हैं, और सोनू निगम जी के छोटे भाई रहते हैं पवन सिंह जी इस गाने में। और यही भाव है, यही भाव है गाने का। और बाहर से आते हैं फिर छठ करते हैं, क्या मतलब, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ जाके गाने को सुनिए, बहुत ज़बरदस्त गाना है। आज रियली बता दूं, गर्व होता है कि हमारे भोजपुरी में पवन सिंह जैसे कलाकार हैं। दोस्तों आई बिलीव म्यूजिक से गाना रिलीज हो चुका है, जिसको अरुण बिहारी जी ने लिखा है और म्यूजिक छोटे बाबा का है। पवन सिंह जी, सोनू निगम जी ने गाया है यार। सोनू निगम जी ने पहली बार छठ का सॉन्ग गाया, वो भी पवन जी के साथ। वो खुद को भी बहुत अच्छा, उन्होंने भी बहुत अच्छा महसूस किया कि वो पहली बार पवन सिंह जी के साथ सॉन्ग कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा था वीडियो में। और एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम है खुशबू जैन। तो फटाफट जाइए, गाना रिलीज हो चुका है, सुनिए, अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और इस साल का जो छठ है उसको और भी मस्त बना दीजिए इस गाने को सुनने के बाद। जिनको लिंक नहीं मिला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाने का लिंक मिल जाएगा, सुनिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये गाना कैसा लगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल लीड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियोज़ फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लीड न्यूज़ पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।